कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर करनाल के कल्पना चावला से सामने आ रही है। जी हाँ, जिन लोगों को लगता था कि कोरोना जा चुका है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बुरी खबर जरूर है। करनाल के डीसी कॉलोनी के रहने वाले 55 वर्ष के एक व्यक्ति की जो है कोरोना की वजह से डेथ हो जाती है। फिलहाल परिवार में कहीं ना कहीं मातम का माहौल ज़रूर छाया हुआ है। उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से कोरोना के चलते वो एडमिट थे। 55 साल के जो व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रस्त हो गए थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं डेड बॉडी को जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स की जो है संस्कार किया जाता है, वहाँ पर फिलहाल लेकर जाया जाएगा। परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं दुख का माहौल ज़रूर है। इस खबर को देखने वालों से अपील कि कोरोना के जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर से ज़रूर लें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। जी हाँ, अभी कोरोना गया नहीं है। उसका एग्जांपल आप लोगों के सामने है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा बेचैन होकर घरों से बाहर निकल रहे थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे थे, जिन्हें आप देख सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खबर बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस खबर को इसलिए शेयर करें ताकि सभी लोगों तक एक मैसेज ज़रूर पहुंचे कि अभी कोरोना गया नहीं है। अभी भी कोरोना से जो है आप देख सकते हैं एक और डेथ का जो मामला है वो सामने आया है। जहां पहले बातें की हो रही थी कि जो कोरोना का जो दूसरा वेरिएंट है ओमिक्रोन, वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया में प्रवेश कर चुका है, वहीं आप देख सकते हैं कोरोना किससे जो है एक और डेथ का मामला करनाल में सामने आया है। इस खबर को देखने वालों से अपील, इसे हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सभी को जागरूक ज़रूर करें कि अभी कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं गया नहीं है। परिवार के जो लोग हैं, परिजन जो हैं, आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस में फ़िलहाल पहुँचे हुए थे। बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था। फिलहाल बॉडी को जो है संस्कार के लिए, जहां पर कोरोना पेशेंट्स का संस्कार किया जाता है, वहां पर फिलहाल बॉडी को लेकर जाया गया है। डीसी कॉलोनी के रहने वाले जो हैं ये व्यक्ति बताए जा रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के जो है करीब बताई जा रही थी। और देख सकते हैं फैमिली के जितने भी लोग हैं वो फिलहाल यहाँ से जाते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक बार कोशिश भी करते हैं बातचीत करने की। सर, उम्र वगैरह बताना क्या थी इनकी जिन पेशेंट की डेथ हुई है? 55 साल। 55 साल, क्या नाम था सर? चरणजीत सिंह। तो कहाँ के रहने वाले थे? डीसी कॉलोनी। तो सर, कोरोना की वजह से कब से एडमिट थे ये? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से एडमिट थे। तो क्या कोरोना पीजीआई रेफर किया था इन्हें पहले? ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी? हाँ, बस ज़्यादा ही थी। तो आप देख सकते हैं परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं दुख का माहौल ज़रूर है। एक सेकंड सर, रुकेंगे आप? फिलहाल परिवार के लोग हालांकि दुख ही हैं और इसलिए बोलना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस खबर को देखने वाले इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कोरोना को लेकर एक बड़ी अपडेट इस समय आप देख रहे हैं करनाल से, जहाँ कोरोना की वजह से एक और व्यक्ति जो हैं अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल परिवार के लोग हालांकि बोलने को तैयार नहीं हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस खबर को देखने वाले से हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दे। कहीं ना कहीं परिवार में मातम का माहौल है। बॉडी को जो है संस्कार के लिए वहीं लेकर जाया जाएगा, बल्डी बाईपास के पास, लिबर्टी चौक के पास, जहाँ सभी कोरोना पेशेंट्स का जो है संस्कार किया जाता था। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से। सहयोगी साहिल शर्मा के साथ मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल। नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से। और आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से एक और डेथ का मामला जो है वो सामने आया है, एक और जो मौत का मामला है वो सामने आया है। इस खबर को देखने वालों से अपील, इसे ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। हालांकि परिवार के लोग इस पर ज़्यादा कुछ अभी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम बता दें कि किस तरीके से आप देख सकते हैं मॉर्चरी हाउस के जो है बाहर की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और कोरोना को लेकर जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा बेचिंत ज़रूर हो गए थे कि किस तरीके से
लोगों ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी बंद कर दी थी, और साथ ही साथ जो है मार्केट्स में भीड़ भड़ाका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं एक और जो है कोरोना की वजह से एक और डेथ का मामला जो है वो आज करनाल में सामने आया है। परिवार काफ़ी ज़्यादा इस समय दुखी नज़र आ रहा है। पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के अंदर लेकर आया गया था, जहां बताया जा रहा है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रोन करकर जो है एक नया वेरिएंट वो जो है यहां पर जो है इंडिया में प्रवेश कर चुका है। वहीं करनाल में कोरोना की वजह से एक और डेथ जो है वो सामने आई है, और आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है इस खबर को देखने वाले इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोग दोबारा से जो है जागरूक ज़रूर हो सके कि किस तरीके से कोरोना जो है ख़त्म नहीं हुआ है। लोगों की कहीं ना कहीं एक गलत फहमी ज़रूर थी कि कोरोना जो है ख़त्म हो चुका है, और फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग लापरवाह हो गए थे, मास्क लगाना छोड़ गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जो है लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन आप सभी लोगों से अपील है, आप देख सकते हैं आज की खबर से आप लोग ये एक सीख ले सकते हैं कि कोरोना अभी ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, कोरोना ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस बॉडी को जो है फ़िलहाल जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स की डेड बॉडी का संस्कार किया जाता है वहाँ पर जो है ले जाया जाएगा, और वहीं पर जो है इनका संस्कार किया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले से ज़्यादा इसलिए शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे कि किस तरीके से अभी कोरोना ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, ध्यान रखें, और साथ ही साथ मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही साथ सैनिटाइज़र भी ज़रूर अपने साथ रखें। आप देख सकते हैं फ़िलहाल पोस्टमार्टम के लिए करनाल के शव गृह में लाया गया है। परिजन जितने भी हैं वो मौके पर फ़िलहाल पहुंचे हुए हैं। इस खबर को देखने वालों से अपील, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें।